भूषण ज्वेलर्स। लड़बड़ोह क्षेत्र के गांव गोरा द्रोब लोटू में धान की फसल के अचानक पीले होने से किसानों की फसल पर खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। किसानों ने विभाग की ओर से आवंटित बीज पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि 30 से 40 परिवारों के धान की फसल खराब हो गई है। वहीं किसानों के मुताबिक 70 हेक्टेयर भूमि में किसान द्वारा खेती बाड़ी की जाती है। गाँव गोरा द्रोब देव लोटू की रक्षा देवी, पवना देवी, मीरा देवी, कमलेश देवी, आशा देवी, शेषा देवी, बबीता देवी, नीमा देवी, सरला देवी आदि ने वीरवार को बताया कि कृषि विभाग लड़बड़ोह से धान का बीज खरीदा था। अब धान के खेत पीले हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा अगर उन्हें सही गुणवत्ता वाला बीज दिया जाता तो उनके धान के खेत खराब नहीं होते और हर साल ही धान की फसल खराब होने की कगार में हो जाती है। प्रभावित किसानों ने प्रदेश सरकार से मुआवजे की मांग भी की है। सारी धान की खेती जो है वो बर्बाद हो चुकी है और हमें मिलना चाहिए इसका मुआवजा। सरकार से निवेदन करते हैं कि हर साल ही हमारी फसल जो होती है वो जब धान उगने को आते हैं तो उसकी सारी ऐसी हो जाती है पीली पीली, तो हमें मिलना चाहिए इसका मुआवजा। धान आपने धान कहाँ से लिए? हम ब्लॉक से लेते हैं हर बार ही, तो पता नहीं कैसा बीज देते हैं ब्लॉक वाले। तो अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए। 2-3 किलो बीज लिए है हमने और हमारी फसल जो है वो खराब हो चुकी है। तो मतलब जैसे पीलापन है खेत में या कालापन आया हुआ है खेत? पीलापन आया है, सारे पत्ते खराब हो चुके हैं और गुच्छे गुच्छे हो गए हैं धान के जैसे बीज ऊपर से। किसानों ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा है कि उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाला बीज भी उपलब्ध करवाना चाहिए। इस संबंध में कृषि विभाग चौंतड़ा के कृषि विशेषज्ञ अरुण कुमार अबरोल ने बताया कि धान की फसल पीली पड़ने की जानकारी मिलने पर विभागीय कर्मचारी और अधिकारी जगह जगह जाकर फसलों का निरीक्षण कर रहे हैं और जो बीज पिछले साल किसानों को दिया गया था उसकी फसल अच्छी थी, जिस पर किसानों की डिमांड पर इस बार भी वही बीज विभाग ने मंगवा कर किसानों को मुहैया करवाया गया था। इस बार फसल कैसे पीली पड़ने लगी इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है और रिपोर्ट तैयार कर विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है। लड़बड़ोह से प्रमोद धीमान की रिपोर्ट। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।